नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। बीजेपी दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष गजेंद्र यादव द्वारा धारा 370 फिल्म की गई स्पेशल स्क्रीनिंग। इस स्क्रीनिंग में दक्षिण दिल्ली लोकसभा के बीजेपी के संगठन के लोग, RWA और कई अन्य लोग पिक्चर देखने के लिए आए थे। इस स्पेशल स्क्रीनिंग में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और सुनील बंसल, राष्ट्रीय महासचिव और बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू भी आए हुए थे। फिल्म देखने के बाद गजेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार से अपील की कि वह इस फिल्म को दिल्ली में टैक्स फ्री करें। बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा इस स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए पूरा ऑडी बुक किया गया था, जिसमें 300 लोगों ने इस पिक्चर को देखा। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। अरे ऋतिका शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि लाइट ऑन कर दें। थापा जी, थापा जी, मूड नहीं होता है, ये फिल्म का मूड है और हम सब कार्यकर्ताओं ने ये जो यहाँ दिखाया जाना है हमारे टीम ने वो देखा है, सहा है, अपनी आंखों से होता हुआ देखा। मैं तो ऐसा भाग्यवान हूँ कि मेरे पिताजी भी जम्मू कश्मीर की जेल में रहे हैं, मैं भी रहा हूँ। लोग आए हैं, उद्देश्य क्या है? जैसा कि धारा 370 का टूटना के विश्व के अंदर बहुत बड़ी घटना है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए ये एक मिशन की तरह था। हमारे प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से जो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें शायद कई कार्यकर्ता, कई पीढ़ियां इस आंदोलन में ये नारे लगाते हुए, ये संघर्ष करते हुए कि एक देश में एक निशान, एक प्रधान रखेंगे, एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे। पार्टी के कई कार्यकर्ता इसमें बलिदान दिया है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये हमारी कमिटमेंट है और पूरे देश की सदन का ये फैसला है। 5 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370 और 35A को समाप्त करके जिन जंजीरों में जम्मू कश्मीर को बांध रखा था उन जंजीरों से मुक्ति दिलाई है और वहाँ के नागरिकों को अधिक अधिकार, जैसे वहाँ की बेटियों के पास अधिकार नहीं था, वहाँ के SC भाइयों के पास अधिकार नहीं था, वो अधिकार भी दिलाए हैं। और ये धारा 370 टूटना, मैं समझता हूँ हमारी जो कमिटमेंट पिछले 7 दशकों से जिसके लिए हमने संघर्ष किया था, जिसके लिए देश इंतजार कर रहा था, ये भारत के हर नागरिक की जीत है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की जीत है। 2024 में NDA का लक्ष्य 370 का ही है, क्या लगता है इस पिक्चर से उस लक्ष्य को पाने में मदद मिलेगी? देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी से असीम प्यार करती है, मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है और आशीर्वाद का 370 का आंकड़ा निश्चित पूरा होगा। ठीक, आज स्पेशल स्क्रीनिंग की जा रही है 370 की, क्या मकसद क्या है? देखिए, बचपन से जब मैं कॉलेज में गया तब से एक नारा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। हम ये नारे लगाते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट भी हो गए और आज मैं 47 ईयर्स का हो गया हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। आज जब मैंने ये देखा, मैं सामान्य देश के नागरिक के तौर पर आपके सामने बात कर रहा हूँ, जब मैंने देखा कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने जो नारा दिया उस नारे को सफल भी बनाया और 370 धारा को जब हमारे सामने समाप्त होते देखा और उसी पर जो पिक्चर बनी है उस पिक्चर का संदेश जन जन तक जाए, इसके लिए हमने ये स्पेशल शो रखा है। ये जो शो रखा गया है ये किसके लिए रखा गया, आम जनता के लिए या
बीजेपी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण दिल्ली लोकसभा के कार्यकर्ता और जो हमारे RWA बाजार एसोसिएशन और प्रोमिनेंट पर्सन है, उन सबके लिए इशू रखा है। आम लोगों को भी आप यहाँ पे बुलाए हैं? आम लोग भी यहाँ पर हैं। तो एक चीज बताइए, 2024 में NDA ने लक्ष्य रखा है 370 का, NDA का, तो क्या लगता है इस 370 मूवी से उद्देश्य वही है उस टारगेट को पूरा करने का? 370, देखिए मैं नहीं समझता हूँ कि वो 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए टारगेट कोई बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी तो 2024 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 400 पार जा रही है, लेकिन जो 370 पिक्चर दिखाने का आज का जो उद्देश्य है, वो विशेष तौर पर कश्मीर की जो घटना है, जो इतने वर्षों तक कांग्रेस के शासनकाल में हिंदू वहाँ पर पीड़ित हुए, हिंदू के जान माल की हानि हुई, वह जो समस्या है उससे जो समाधान अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उस समाधान का जो फिल्मांकन हुआ वो सामान्य जन के पास जाए मैसेज, उसके लिए ये मूवी हमने आज लगाई। आज आप बीजेपी के लोगों को दिखा रहे हैं, आम लोगों को दिखा रहे हैं, क्या आप ये निवेदन करेंगे कि दिल्ली के CM और आम आदमी के पार्टी भी लोग भी इस पिक्चर को देखें? दिल्ली के CM निरंकुश शासक हैं, दिल्ली के CM दुष्ट हैं, दिल्ली के CM भ्रष्टाचारी हैं, दिल्ली के CM यूटर्न वाले और झूठे हैं। जब वो कश्मीर फाइल जो अत्याचार पर पिक्चर बनी थी उसको जब वो दिल्ली में टैक्स फ्री नहीं कर पाए, तो ये जो पिक्चर है जो समाधान पे बनी है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने समाधान दिया 370 धारा हटाकर, उस पिक्चर को टैक्स फ्री करें, मेरा मन तो है, मैं तो एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते रिक्वेस्ट करता हूँ, पर मुझे पूरी विश्वास है कि इतना धूर्त व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, वो इस पिक्चर को टैक्स फ्री नहीं करेंगे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और टैक्स फ्री कराए। फिल्म देखने के लिए उनको क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, 370 इतनी बड़ी धारा को हटाकर इतना बड़ा एक इतिहास लिखा है भारतीय जनता पार्टी के, जो देश के प्रधानमंत्री बने और कार्यकर्ता रहे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने, तो वो पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर उन्होंने पिक्चर देखनी है तो आए, एक दिन और स्पेशल स्क्रीनिंग उनके लिए करा देंगे, देखें और टैक्स फ्री करें। जी हाँ जी, जो लिस्ट में नाम है केवल उन्हीं के लिए टिकटें रिजर्व हुई हैं, पूरा सिनेमा हॉल वो हमारा बुक है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चिंता नहीं करें, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबका स्वागत है।